हेलो एवरीवन। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हम बहुत बार ये बात कर रहे थे कि अकाउंट्स में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना होता है यूजर्स को, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि वो यूजर्स आखिर कौन कौन है जिनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। तो ये सारे जो यूजर्स हैं वो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। यूजर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, पहले इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। दो तरह के यूजर्स हैं। अब इंटरनल यूजर में कौन कौन आता है? इंटरनल यूजर में सबसे पहला ओनर, ठीक। ओनर अपना कैपिटल लगा रहा है बिजनेस को, तो उसे तो जानने का हक है ही कि भाई हम क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। ओनर सब कुछ रन कर रहा है, अपना कैपिटल लगा रहा है, तो ओनर मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बिजनेस राइट नाउ। सो फर्स्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इज ओनर, देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैनेजमेंट सारे डिसीजंस बनाते हैं बिजनेस रिलेटेड, क्या नया पॉलिसी लाना है, क्या बोनस देना है, क्या नई चीजें, क्या एक्सपेंशन करना है, वो सारा डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल पोजिशन कैसे चल रही है, क्या प्रॉफिट लॉस है। तो मैनेजमेंट इज द सेकेंड यूजर इन इंटरनल सेक्शन। इंटरनल में कौन हो गया? पहले ओनर, मैनेजमेंट एंड देन एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज उसी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या अकाउंट्स, क्या बिजनेस की सिचुएशन है, ताकि उन्हें जो बोनस मिल रहा है वो उन्हें जस्टिफाइड लगे, उन्हें जो एक्स्ट्रा TADA या जो कुछ भी मिल रहा है, उन्हें जो फेस्टिवल बोनस मिलता है वो उन्हें जस्टिफाइड लगे, ऐसा ना लगे कि इनकी प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है और हमें कम मिल रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉयज को भी अकाउंट्स की डिटेल्स पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पता होनी चाहिए। ये तीन इंटरनल यूजर थे। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक, आपको कभी भी कोई किसी तरह का लोन चाहिए, कुछ भी एक्सपेंशन के लिए फंड चाहिए, तो बैंक देगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगी, और वो आपको कभी भी विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नहीं देंगे। दे विल चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनली देन दे विल गिव यू द फंड्स, फाइन। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे एक्सटर्नल यूजर में। देन इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स भाई, इन्वेस्टर्स तो वो है जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, तो उन्हें तो पता होना ही चाहिए उनका पैसा लगा हुआ है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी वो इन्वेस्टर्स जो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी में, जिनकी इच्छा है करने की, तो वो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो हो सकता है कि वो श्योरली इन्वेस्ट कर दे, तो उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब जो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनको भी चाहिए अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा देखना है। देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी सारी पॉलिसीज, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करती है जब वो बिजनेसमैन के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखती है, उसी से वो फाइंड आउट करती है कि टोटल नेशनल इनकम क्या है। तो गवर्नमेंट को और बाकी पॉलिसीज भी बनाने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी होती है कंपनीज की, ठीक है। तो गवर्नमेंट देखती है। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो आपको उधार में माल देते हैं, क्रेडिट में गुड्स देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ताकि वो अगर स्टॉप करना चाहे आपको सप्लाई करना तो स्टॉप कर दें, या फिर और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहे तो कर सके, पर उनको रियल स्टेटमेंट, रियल सिचुएशन पता होनी चाहिए कंपनीज की। इसलिए क्रेडिटर्स हो गए एक्सटर्नल यूजर। रिसर्चर्स। रिसर्चर्स अपने रिसर्च वर्क के लिए करते हैं भाई, उन्हें रिसर्च करना होता है कि इस तरह के बिजनेस में कितना फायदा हो रहा है, इस बिजनेस में कितना नुकसान है, इस बिजनेस में नई पॉलिसी आई तो क्या चेंज हुआ, तो उनको अपने रिसर्च वर्क के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। कंज्यूमर्स। फिर है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनका किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। और फिर अंत में क्या है? अंत में पब्लिक। पब्लिक को जानना होता है कि जो कंपनीज है देश में, जो चल रही है कंपनीज, उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे चल रही है, वो एक ग्रुप ऑफ यूजर्स जो भी है उनको समझना होता है कि किस तरह के बिजनेस में क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है, तो इसलिए पब्लिक को भी जरूरत होती है अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ये सारे हैं यूजर्स जो हम लोग बार बार ये डिस्कस कर रहे थे कि यूजर्स को कम्युनिकेट करना होता है उनका काम, तो यूजर्स को, इनके सारे यूजर्स को, उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना होता है। थैंक यू।